देखो दोस्तों, इस मैच के अंदर मैक्सिमम लोग अफगानिस्तान के प्लेयर पे फोकस करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 श्रीलंका के नए प्लेयर के बारे में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन दोस्तों वो प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम के आइडियाज बनाए हैं जिनकी मदद से आप अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के पहले T20 मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। 27 अगस्त को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है और लाइक कर दो यार, लाइक करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। देखो दोस्तों, आपको पता है कि मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। अगर दोस्तों इस ग्राउंड की पिच की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट कर सकती है। उसका मेन रीजन क्या दोस्तों कि इस ग्राउंड के ऊपर अब तक T20 इंटरनेशनल के 76 मैच खेले गए हैं, इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 36 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 39 मैच जीते हैं। यानी दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट कर सकती है। ये एक चीज और बता दोस्तों आपको कि अगर श्रीलंका की टीम पहले टॉस जीतती है तो वो टीम पहले बॉलिंग चूज करना चाहेगी, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करना पसंद करती है, तो अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो हो सकता है अफगानिस्तान की टीम यहां पे बैटिंग चूज कर ले, बाकी दोस्तों यहां पे जो टीम चेज करेगी उसको बेनिफिट रहने वाला है। वहीं दोस्तों इन 76 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 143 रन है, यानी दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं पहली इनिंग के अंदर बॉलर क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं और पहले बॉलिंग करने वाली टीम के बॉलर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो अपनी एकाधिक ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 76 मैचों में स्कोर पैटर्न की तो 150 से नीचे स्कोर 42 बार बनाए, 150 से 169 के बीच में स्कोर 19 बार बनाए, 170 से 179 के बीच में स्कोर 9 बार बनाए और 190 प्लस स्कोर 6 बार बनाए। यानी दोस्तों 76 में से 42 मैचों के अंदर स्कोर 150 से नीचे रहा है, यानी दोस्तों मान के चल सकते हैं कहीं ना कहीं पिच पहली इनिंग के अंदर बॉलर को फेवर कर सकती है। अब देखो दोस्तों सबसे खास बात, एक बार फिर से अगर हम पिच को समराइज करें तो हाई चांस है जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चूज कर सकती है, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम बैटिंग भी चूज कर सकती है क्योंकि उनको बैटिंग करना पसंद है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके बॉलर क्रूशियल रह सकते हैं। अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आपके लिए नवीन उल्लक, फजल फारूकी या फरीद अहमद मलिक काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं पावर प्ले के अंदर। वहीं दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आपके लिए सी करुणरत्ने, नुवान तुसारा, अविस्ता फर्नांडो काफी क्रूशियल रह सकते हैं पावर प्ले के अंदर। लेकिन दोस्तों एक खास बात हो रहा है कि श्रीलंका की तरफ से एक प्लेयर है जिसका नाम है मथीसा पथिराना, अगर दोस्तों ये प्लेयर खेलेगा तो आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। अब कैसे करना और क्यों करना है उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर बैट्समैन काफी क्रूशियल रह सकते हैं, यानी जो टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे उसके आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को मौका दे सकते हो या सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगी। पर एक बात और बता दूं दोस्तों, इस मैच की फाइनल पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिच रिकॉर्ड को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं टॉप पिक्स फ्रॉम अफगानिस्तान। टॉप पिक्स यानी दोस्तों वो प्लेयर जिनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे अफगानिस्तान की तरफ से, और क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने अभी रिसेंटली आयरलैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज खेली है जिनके अंदर इन प्लेयरों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसी वजह से मैक्सिमम लोग इन्हीं प्लेयरों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज, ओपनिंग करते हैं। अपने T20 करियर में 27 मैच खेले हैं, 676 रन बनाए हैं 25.04 के एवरेज से। दूसरा नाम हमारे पास है नजीबुल्लाह जादरान, 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं।
अपने T20 करियर में 78 मैच खेले हैं, 1487 रन बनाए हैं 33.05 के एवरेज से। तीसरा नाम हमारे पास है हजरतुल्ला जजाई, ओपनिंग करते हैं, काफी अच्छे रिकॉर्ड कैरी करते हैं। हमारे पास चौथा नाम है मोहम्मद अबी, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 95 T20 मैच खेले हैं, 1631 रन बनाए और 80 विकेट लिए हैं। हमारे पास पांचवा नाम है राशिद खान, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 66 T20 मैचों में 112 विकेट लिए हैं। और हमारे पास छठा नाम है नवीन उल्लख, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 18 T20 मैच खेले और 25 विकेट लिए हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो 6 प्लेयर है, इन 6 प्लेयरों को मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे अफगानिस्तान की तरफ से। मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि ग्रैंड लीग वही प्लेयर जितवाता है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 2-3 ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बताऊंगा अफगानिस्तान के। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे हजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं एच शाइदी। यानी दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से ये 3 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। कभी कभार दोस्तों इब्राहिम जादरान भी 3 नंबर बैटिंग करने आ जाते हैं, तो ये चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि एच जजाई, आर गुरबाज और एच शाइदी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे अफगानिस्तान की तरफ से। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे इब्राहिम जादरान, नजीबुल्ला जादरान और मोहम्मद नबी, और अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग की कमान संभाल सकते हैं राशिद खान, नवीन उल्लख, फजल फारूकी और मुजीबुर रहमान। और दोस्तों यहाँ पे ए उमर जजाई और फरीद अहमद मलिक में से कोई एक खेल सकता है, हाई चांस है यहाँ पे फरीद अहमद मलिक को मौका मिल सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो आपके लिए रहमानुल्लाह गुरबाज सेफ है, हजरतुल्ला जजाई सेफ है, उसके बाद नजीबुल्ला जादरान सेफ है, मोहम्मद नबी सेफ है, राशिद खान सेफ है, नवीन उल्लख सेफ है, और उसका दोस्तों फरीद अहमद मलिक और फजल फारूकी में से जो भी खेले वो प्लेयर सेफ रह सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से सेफ ऑप्शन। अगर हम बात करें ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से, तो दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे हजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं एच शाइदी। यानी दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से ये 3 प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अब दोस्तों इन प्लेयर के सामने श्रीलंका के कौन से प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नुआन तुसारा या अविस्ता फर्नांडो में से कोई एक खेलेगा, वो प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। उसका दोस्तों चमिका कोनरत्ने, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 25 मैचों में 11 विकेट लिए, ये प्लेयर भी पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम मथिसा पथिराणा को मौका देती है, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, ये प्लेयर भी पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकता है। लेकिन दोस्तों आप बता दूं कि स्टार्टिंग के 4 ओवर में सी कोनरत्ने 2 ओवर डाल सकते हैं, और नुआन तुसारा और अविस्ता फर्नांडो जो भी खेलेगा वो प्लेयर 2 ओवर डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहां पे खेलने वाले इन 2 प्लेयरों पे ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हो, उस केस में आप अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन एच जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज में किसी एक या 2 को ड्रॉप करके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन एच शाइदी, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान में किसी 2 को मौका दे सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप ग्रैंड लीग की 10-12 टीम बना रहे हो और अफगानिस्तान की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे, तो आप दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर इस ग्राउंड में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप अफगानिस्तान की तरफ से मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी, नवीन उल्लख, फरीद अहमद मलिक और राशिद खान, ये जो 5 बॉलर है इनमें से 4 बॉलर अपनी एक ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे, और उसमें दोस्तों आप उन्हीं में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे मथिसा पथिराना ये जो प्लेयर है श्रीलंका का, इस प्लेयर को आप ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से बता दिया, मैंने आपको ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बता दिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं टॉप पिक्स फ्रॉम श्रीलंका। टॉप पिक्स यानी दोस्तों वो प्लेयर जिनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे श्रीलंका की तरफ से। तुम्हारे पास सबसे पहला नाम है चरित असलांका, 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, अपने T20 करियर में 20 मैच खेले हैं, 521 रन बनाए हैं 28.94 के एवरेज से। दूसरा नाम हमारे पास है पाथुम निशांका, ओपनिंग करते हैं, अपने T20 करियर में 23 मैच खेले हैं, 628 रन बनाए हैं 28.55 के एवरेज से। तीसरा नाम हमारे पास है भानुका राजपक्षा, 5 नंबर भी बैटिंग करने आ सकते हैं, काफी अच्छे हिटर है, काफी अच्छे रिकॉर्ड कैरी करते हैं। हमारे पास चौथा नाम है वीरेंद्र सरंगा, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, अपने T20 करियर में 38 मैच खेले, 382 रन बनाए और 62 विकेट लिए। और हमारे पास पांचवा नाम है महेश चिक्सना, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 18 मैचों में 16 विकेट लिए T20 के अंदर। और दोस्तों एक खास बात और बता दूं कि महेश चिक्सना ये प्लेयर है, ये प्लेयर कभी कभार पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग करने आ सकता है, आपको चीज ध्यान में रखनी है। यानी दोस्तों श्रीलंका की तरफ से ये जो 5 प्लेयर है इनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सिलेक्ट करने वाले हैं,
क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इन्हीं प्लेयर के बारे में पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से 3-4 ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत कम रहेगा, लेकिन वो आपके लिए ग्रैंड लीग में इंपोर्टेंट रह सकते हैं। उनको जानने से पहले हम देख लेते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे पाथुम निशांका और धनुष्का गुणतिलिका, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं चरित अश्लांका। यानी दोस्तों श्रीलंका की तरफ से ये 3 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। कभी कभार दोस्तों श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस भी ओपनिंग करने आ जाते हैं, तो ये चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो श्रीलंका की तरफ से मिडिल ऑर्डर की कमान संभाल सकते हैं कुशल मेंडिस, बानुका राजपक्षा और दासून सनाका, और बोलिंग की कमान संभाल सकते हैं वेनेंदु असरंगा, सी करुणरत्ने, नुआन तुसारा, महेश दीक्षणा, मतीसा पथिराणा या ए फर्नांडो में से कोई एक खेल सकता है, और कुछ और की बोलिंग यहाँ पे दासून सनाका भी डाल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें श्रीलंका की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो आपके लिए पाथुम निशांका सेफ है, चरित असलंका सेफ है, कुशल मेंडिस सेफ रह सकते हैं, बानुका राजपक्षा सेफ रह सकते हैं, विनेंदु असरंगा सेफ रह सकते हैं और महेश दीक्षणा सेफ रह सकते हैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आपको पता कि पाथुम निशांका और धनुष्का गुणतिलिका ये दोनों प्लेयर ओपनिंग करने आएंगे श्रीलंका की तरफ से, और इनके सामने दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से नवीन उलक पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे, फजल फारूकी और फरीद अहमद मलिक में से जो भी खेलेगा वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकता है। अगर दोस्तों आप नवीन उलक और फजल फारूकी और फरीद अहमद में से जो भी खेलेगा उन दोनों प्लेयरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उस केस में आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में पाथुम निशांका को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस प्लेयर का सिलेक्शन ऑलमोस्ट 80% रहने वाला है। दूसरा दोस्तों आपको बता दूं कि धनुष्का गुणतिलिका ये प्लेयर ओपनिंग करने आता है, लेकिन इस प्लेयर का सिलेक्शन कम रहेगा तो ये प्लेयर आपके लिए जीएल में ऑप्शन रह सकता है। अगर दोस्तों श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है और आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे हो अफगानिस्तान के पावर प्ले के बॉलर पर ज्यादा फोकस करके, उस केस में आप श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चरित असलंका, कुशल मेंडिस, बानुका राजपक्षा इन तीनों में किसी दो को मौका दे सकते हो और दासून सनाका को भी दे सकते हो। वहीं दोस्तों आपको बता दूं अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करे तो आपके लिए नुआन तुसारा पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे, सी करुणरत्ने पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे, दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और दोस्तों अगर यहां पे मतीसा पथिराणा ये प्लेयर खेलते हैं तो इस प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है। क्यों ट्राई करना है? क्योंकि दोस्तों मतीसा पथिराणा है, इस प्लेयर का जो बॉलिंग एक्शन है वो मलिंगा की तरह है और इस प्लेयर को पिक करना बहुत ही मुश्किल है, और ये प्लेयर दोस्तों डेथ ओवर में बॉलिंग करके काफी अच्छी यॉर्कर भी मारेगा, तो आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है। बाकी दोस्तों मैंने आपको स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से बात बता दी है, मैंने आपको ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बता दिया है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। देखो दोस्तों प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर दोस्तों हमारे पास श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। अपने टी20 करियर में 35 मैच खेले, 681 रन बनाए 20.03 के एवरेज से। दूसरा नाम हमारे पास है दिनेश चांडीमल, अगर ये प्लेयर खेलता है तो 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकता है। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हैं, काफी अच्छे रिकॉर्ड कैरी करते हैं, और अफसर दजाई अगर खेलेंगे तो ये प्लेयर भी 3 या 4 नंबर ओपनिंग करने आ सकता है। अभी के लिए दोस्तों मान के चलते हैं कि आर गुरबाज और कुशल मेंडिस ये दोनों प्लेयर खेलने वाले हैं इस मैच के अंदर। सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है रहमानुल्लाह गुरबाज, यानी एक प्लेयर तो फिक्स है। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आप कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे तो आप कुशल मेंडिस और आर गुरबाज दोनों के साथ जाइए अपनी टीम के अंदर। अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे तो आप आर गुरबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो और आप अकेले कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो। बाकी दोस्तों आपके लिए सेफ ऑप्शन रहमानुल्लाह गुरबाज ही रहने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। देखो दोस्तों बैट्समैन हमारे पास श्रीलंका की तरफ से धनुष्का गुणतिलिका ओपनिंग करने आते हैं। अपने टी20 करियर में 39 मैच खेले, 678 रन बनाए 17.84 के एवरेज से। दूसरा नाम हमारे पास है चरित असलंका, 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। अपने टी20 करियर में 20 मैच खेले, 521 रन बनाए 28.94 के एवरेज से। तीसरा नाम हमारे पास है पाथुम निशांका, ओपनिंग करते हैं, 23 मैचों में 628 रन बनाए 28.55 के एवरेज से। और चौथा नाम हमारे पास श्रीलंका की तरफ से भानुका राजपक्षा, 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 21 टी20 मैच खेले, 350 रन बनाए 23.33 के एवरेज से। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से नजीबुल्ला जादरान, 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, काफी अच्छे रिकॉर्ड कैरी करते हैं। उसका दोस्तों हमारे पास है हजरतुल्ला जजाई ओपनिंग करते हैं, उस्मान गनी जादरान है अगर 4 नंबर बैटिंग करने आएंगे अगर खेलेंगे तो। उसका दोस्तों हमारे पास है एच शाइदी अगर खेलेंगे तो 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है यहाँ पे नजीबुल्ला जादरान फ्रॉम अफगानिस्तान। श्रीलंका की तरफ से फर्स्ट चॉइस है चरित असलंका, सेकंड चॉइस है बानुका राजपक्षा, थर्ड चॉइस है पाथुम निशांका। ये 3 प्लेयर श्रीलंका की तरफ से क्रूशियल रह सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से फर्स्ट चॉइस है नजीबुल्ला जादरान, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे हजरतुल्ला जजाई और एच साइदी में किसी एक को मौका दे सकते हो।
वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आपको बता दूं कि आप ग्रैंड लीग की टीम में दानुष्का गुणथलिका को मौका दे सकते हो, खासकर अगर श्रीलंका की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे। वहीं दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे तो आप ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में पाथुम निशांका को ड्रॉप करके श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को मौका दे सकते हो। और अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे तो यहाँ पे आप दोस्तों आर गुरबाज या एच जजाई में किसी एक या दो को ड्रॉप करके इब्राहिम जादरान को मौका दे सकते हो या एच साइदी को मौका दे सकते हो अपनी टीम के अंदर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के बारे में। देखो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास श्रीलंका की तरफ से दासुन सनाका राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, अपने टी20 करियर में 68 मैच खेले, 1015 रन बनाए, 18 विकेट लिए। दूसरा नंबर पास है वेनेंदु असरंगा, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 6-7 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, अपने टी20 करियर में 38 मैच खेले, 382 रन बनाए और 62 विकेट लिए। तीसरा नंबर हमारे पास श्रीलंका की तरफ से धनंजय डी सिल्वा, चौथा नंबर हमारे पास है सी करुणरत्ने, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 25 मैच खेले अपने टी20 करियर में और 11 विकेट लिए। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद अभी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 95 मैच के लिए अपने टी20 करियर में 1631 रन बनाए, 80 विकेट लिए। उसका दोस्तों हमारे पास के जन्नत है जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं और ए उमर जजाई जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है मोहम्मद अभी, सेकंड चॉइस है वेनेंदु असरंगा, ये दोनों प्लेयर आपकी स्मॉल लीग की टीम में फिक्स रह सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ और अगर दोस्तों यहां पे श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप सी करुणरत्ने को मौका दे सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, क्योंकि प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा। वहीं दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे उस केस में आप दासुन सनाका को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में मौका दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों हो सकता है श्रीलंका की टीम जब पहले बैटिंग करे उस केस के अंदर इनका टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो जाए और दासुन सनाका आपके लिए कमाल कर दे। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में ए उमर जजाई को भी मौका दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग के बारे में। देखो दोस्तों बॉलिंग हमारे पास श्रीलंका की तरफ से नुआन तुसारा राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, उसका दोस्तों जे वेंडर से राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, या फिर दोस्तों ए फर्नेंडो खेल सकते हैं जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। उसका दोस्तों हमारे पास श्रीलंका की तरफ से महेश चिक्सना राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 18 मैचों में 16 विकेट लिए। उसका दोस्तों हमारे पास श्रीलंका की तरफ से मथीसा पतिराना राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, मुजीबुर रहमान राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 28 मैचों में 38 विकेट लिए। नवीन उल्लक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 18 मैचों में 25 विकेट लिए। उसका दोस्तों हमारे पास यहाँ पे फजल फारूकी और फरीद अहमद मलिक है, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। सबसे पहली बात अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो फर्स्ट चॉइस है राशिद खान, सेकंड चॉइस है महेश दीक्षण, दो प्लेयर तो फिक्स है। उसका थर्ड चॉइस है नवीन उल्लक, ये तीन प्लेयर तो आपकी स्मॉल लीग की टीम में फिक्स रहने वाले। उसके बाद दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप यहाँ पे नुआन तुसारा को मौका दे सकते हो श्रीलंका टीम पहले बॉलिंग करे। अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप ए फर्नेंडो को मौका दे सकते हो। और दोस्तों आप श्रीलंका की तरफ से एक प्लेयर है मथीसा पतिराना, इस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। साथ ही दोस्तों अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप फजल फारूकी या फरीद अहमद मलिक दोनों खेले तो दोनों को मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों आप मुजीबुर रहमान को भी मौका दे सकते हो। देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है, बाकी दोस्तों हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से आपको टीम कैसे बनानी है, उसके बाद दोस्तों हम ग्रैंड लीग की टीमों का आइडिया देखेंगे। दोस्तों इस टीम मैंने विकेट कीपर लिया आर गुरबाज को, बैटिंग में लिया एन जादरान, एच जजाई, बी राजपक्षा, सी सलांका और पाथुम निशांका को, ऑलराउंडर में लिया मोहम्मद नबी और वेनेंदु असरंगा को, और बॉलिंग में लिया राशिद खान नवीन उल्लक को। अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 प्लेयर चूज किए स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से, 11 प्लेयर यहाँ पे नुआन तुसारा हो सकता है, या फिर महेश थिक्षणा हो सकता है, या फिर अविस्ता फर्नेंडो हो सकता है, या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करके सी करुणरत्ने को भी मौका दे सकता हूं। अब देखो दोस्तों स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से टीम है, तो टॉस होने के बाद फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी स्मॉल लीग की। अगर दोस्तों इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो राशिद खान अच्छा ऑप्शन है, मोहम्मद नबी अच्छा ऑप्शन है, वेनेंदु असरंगा अच्छा ऑप्शन है, आर गुरबाज अच्छा ऑप्शन है, ये 4-5 प्लेयर स्मॉल लीग के अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। उसका दोस्तों आप सी एस लंका को मौका दे सकते हो, या भानुका राजपक्षा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन से मौका दे सकते हो। दोस्तों ये तो हुई स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से बात। अब दोस्तों अगर हम बात करें ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बात, दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में हमें कुछ एक सिनेरियो कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला दोस्तों मान के चलते हैं कि श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करती है और श्रीलंका के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं और श्रीलंका की टीम 8-9 विकेटों से मैच जीत जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने एक टीम बनाई है जिसके अंदर मैंने विकेट कीपर में लिया आर गुरबाज को, बैटिंग में लिया नजीबुल्ला जादरान और आई जादरान को, और बैटिंग में उसके बाद श्रीलंका की तरफ से लिया डी गुणथलिका और पाथुम निशांका को, ऑलराउंडर में लिया है दासुन सनाका और वेनेंदु असरंगा को, और बॉलिंग में लिया है राशिद खान, नुआन तुसारा, महेश दीक्षणा और मथीसा पथिराना को। अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये मान के चला है कि श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करेगी और श्रीलंका के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, इसी वजह से दोस्तों मैंने श्रीलंका के मैक्सिमम सारे बॉलर ले लिए। यहाँ पे आप एक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप मथीसा पथिराना की जगह सी करुणरत्ने को मौका दे सकते हो, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी रह सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये मान के चला है कि श्रीलंका की टीम 8 या 9 विकेटों से मैच जीत जाएगी, तो मैंने श्रीलंका के दोनों
टॉप ऑर्डर के बैट्समैन दानुशा गुणतलिका और पाथुम निशांका को लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चेंज और कर सकते हो, आप इन दोनों के साथ साथ दासून सनाका को ड्रॉप करके सी करुणारत्ने को भी मौका दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने ये मान के चला है कि जब श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उनके बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान के मात्र चार ही प्लेयर चूज किए, जिसमें पहला नाम है आर गुरबाज ओपनिंग करने आते हैं, उसका दोस्तों मैंने हजरतुल्ला जजाई और अच्छाईदी दोनों को ड्रॉप किया है, उसका दोस्तों मैंने आई जादरन और नजीबुल्ला जादरन जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं उनको ट्राई किया है, और एक राशिद खान को ट्राई किया है। ये टिप दोस्तों मैंने ये मान के बनाई है कि श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करती है, श्रीलंका के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर देते हैं और श्रीलंका 8 या 9 विकेटों से मैच जीत जाती है। इस टीम में दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे नोवान तो सुधारा को बना सकते हो, महिजा तक्षणा को बना सकते हो, या फिर दोस्तों सी करुणरत्ने को आप यहाँ पे ट्राई करें, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। वहीं दोस्तों आप श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन दानुशका गुणतलिका और पाथुम निशांका को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इस टीम में आप एक चेंज और कर सकते हो, मान लीजिए आप यही मान के चल रहे हो कि श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करती है और श्रीलंका के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो यहाँ पे आप आर गुरबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो और आर गुरबाज की तरफ की जगह आप के मेंडिस को मौका दे सकते हो। अब देखो दोस्तों तो बाकी सेम टीम है, मैंने आर गुरबाज की जगह के मेंडिस को मौका दे दिया, मैंने ये सोच के मौका दिया कि जब अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो श्रीलंका के प्लेयर उसको जल्दी आउट कर देंगे और जो के मेंडिस है ये प्लेयर 3 या 4 नंबर की बैटिंग करने आता वैसे तो, हालांकि इसकी बैटिंग आने के चांस कम है ऐसे सिनेरियो के अंदर, लेकिन ये प्लेयर 2-3 कैच ले लेगा विकेट के पीछे तो आपको 30-35 पॉइंट दिलवा देगा, जिससे आप ग्रैंड लीग की ड्रीम टीम में प्लेयर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे आप सी करुणरत्ने को मौका दे सकते हो, अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहो आप सी श्रीलंका को भी मौका दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चेंज और किया कि मैंने यहाँ पे नजीबुल्ला जादरन और आई जादरन को लिया, लेकिन आर गुरबाज की तरह जी जगह मोहम्मद नबी को भी ट्राई कर लिया है, किसकी तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, बाकी सेम टीम है। अब देखो दोस्तों दूसरा सिनेरियो मान के चलते हैं कि मान लेते हैं अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है और अफगानिस्तान के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं और अफगानिस्तान की टीम 8 या 9 विकेटों से मैच जीत जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे विकेट कीपर में लिया है आर गुरबाज और कुशल मेंडिस को, बैटिंग में लिया है एच जजाई, एच शायदी, बी राजपक्षा को, ऑलराउंडर में लिया है दासून सनाका और विनेंदो सरंगा को, और बॉलिंग में लिया है राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फरीद मलिक और नवीन उल्लक को। अगर दोस्तों फजल फारूकी खेले तो आप फजल फारूकी को मौका दे सकते हो। मैंने दोस्तों इस टीम में क्या किया है, मैंने ये मान के चला कि अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करेगी और अफगानिस्तान के बॉलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे और अफगानिस्तान की टीम 8 या 9 विकेटों से मैच जीत जाएगी। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पे चारों प्लेयर अफगानिस्तान के जो बॉलर है वो ले लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने ये मान के चला कि अफगानिस्तान की टीम 8 या 9 विकेटों से जीत जाएगी, तो मैंने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी ले लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने ये मान के चला कि अफगानिस्तान की टीम जब अच्छा बॉलिंग करेगी तो श्रीलंका के बैट्समैन खराब परफॉर्मेंस देंगे, तो मैंने श्रीलंका के मात्र 4 ही बैट्समैन लिए, जिसके अंदर मैंने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पाथुम निशांका, दासून गुणतलिका और चरित असलंका को ड्रॉप कर दिया। दोस्तों मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सी असलंका को मौका दे सकते हो। अब देखो दोस्तों इस टाइप की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे एफ मलिक को बना सकते हो, नवीन उल्लक को बना सकते हो, राशिद खान को बना सकते हो, आर गुरबाज को बना सकते हो, एच जजाई को बना सकते हो, यानी आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को बना सकते हो या किसी बॉलर को बना सकते हो। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने वेनेंदु हसरंगा को लिया है, लेकिन दोस्तों इस टाइप की टीम में आप एक केस के अंदर वेनेंदु हसरंगा को ड्रॉप कर सकते हो। वो क्या केस है कि आप मान के चल रहे हो कि अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, अफगानिस्तान की टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है, यानी अफगानिस्तान के जो बॉलर है वो काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है वेनेंदु हसरंगा जल्दी आउट हो जाए और हो सकता है यहाँ पे श्रीलंका की टीम थोड़ा लो स्कोर खड़ा करे और हो सकता है अफगानिस्तान इजिली जीत जाए और श्रीलंका के प्लेयर की बैटिंग ही ना आए, यानी श्रीलंका के प्लेयर को विकेट ही ना मिले और वेनेंदु हसरंगा को खासकर विकेट ना मिले। ये सिनेरियो अगर आप कंसीडर कर रहे हो इस टाइप की टीम में, यहाँ पे आप वेनेंदु हसरंगा को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वेनेंदु हसरंगा को ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पे आप 95% लोगों से आगे निकल के जा सकते हो, क्योंकि वेनेंदु हसरंगा का सिलेक्शन 95% रहने वाला है। दोस्तों ये जो पीछे वाली टीम है ये सेम टीम है, मैंने यहाँ पे वेनेंदु हसरंगा की जगह महेश तीक्ष्णा को मौका दे दिया। अब देखो दोस्तों एक सबसे खास बात बता दूं कि ये जो आपको ग्रैंड लीग की टीमें बनानी है, ये जो रिस्क वाली टीम है आपको 1-2 ही बनानी है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम सेफ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी कभार जो टीम है वो अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे जाती है या आउटस्टैंडिंग जो हमें हमारी समझ से बाहर वो परफॉर्मेंस दे जाती है। इस वजह से आपको ग्रैंड लीग की 1-2 ही टीमें बनानी है, 3-4 टीमें बनानी है, जितना आप लोग सहन कर सको उतनी टीमें बनानी है। कहीं आप बाद में मेरे को बोलो कि दोस्तों मैंने आपको रिस्की टीम बनाई बताइए, सेफ टीम तो आप ऑलरेडी बना लोगे मेरे को पता है। दोस्तों आपको 2 या 3 टीमें तो इन दोनों सिनेरियो से बनानी है। अब देखो दोस्तों एक टीम आप कैसे बना सकते हो, एक टीम दोस्तों आप ऐसे बना सकते हो कि इस मैच के अंदर 4 ऑलराउंडर है, आप ये मान के चलो कि चारों के चारों ऑलराउंडर आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलेंगे, आप ये सिनेरियो कंसीडर करके एक टीम बना सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टीम बनाई है, इसमें मैंने विकेट कीपर में लिया कुशल मेंडिस को, बैटिंग में लिया नजीबुल्ला जादरान, एच शायदी और सी श्रीलंका को, ऑलराउंडर में लिया मोहम्मद नबी, दासून सनाका, विनेंदु हसरंगा और सी करुणरत्ने को, और बॉलिंग में लिया राशिद खान, नवीन उलक और महेश तीक्ष्णा को।
देखो दोस्त मैंने एक टीम बना ली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आर गुरबाज और उनके साथ अजरतुल्ला जजाई दोनों को ड्रॉप कर दिया और उनके बदले मैंने यहाँ पे ले लिया सी करुणरत्ने को, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि करुणरत्ने उन दोनों प्लेयरों को आउट कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैंने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पाथुम निशांका और दानुष्का गुणथलिका दोनों को ड्रॉप कर दिया और उसके बदले मैंने ले लिया नवीन उलक को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नवीन उलक पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा और उन दोनों प्लेयर को आउट कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैंने दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है उनको लिए। यहाँ पे आप एक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप भानुका राजपक्षा को भी मौका दे सकते हो मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने भानुका राजपक्षा को ड्रॉप करने का रिस्क लिया। उसके बाद मैंने चारों ऑलराउंडर ले लिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चारों ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और बॉलर मैंने यहाँ पे राशिद खान और महेश दीक्षित जिनको मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करेगी वो लिए। अब दोस्तों इस टाइप की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सी करुणरत्ने को बना सकते हो, नवीन उलक को बना सकते हो, एक रिस्क तो ये हो गया। दूसरा दासून सनाका को बना सकते हो, श्रीलंका को बना सकते हो। तीसरा यहाँ पे एच आई डी को बना सकते हो या फिर दोस्तों मोहम्मद नबी को बना सकते हो, इस टाइप का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे महेश दीक्षित को लिया, अगर आप थोड़ा रिस्की जाना चाहो यहाँ पे आप मथीसा पथिराणा को मौका देकर उसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। देखो दोस्तों मैंने आपको तीन चार टीमों के आइडिया बताए, एक सेफ टीम बनाइए, बाकी मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस दे दिया है। फिर भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के पहले टी20 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले। धन्यवाद।